हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस नई वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूँ दोस्तों कैसे दोस्तों आप भी अपने डिवाइस का फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो, मतलब इरेज ओल्ड डाटा कैसे कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको इसका इरेज ओल्ड डाटा करना पड़ रहा है या फैक्ट्री रीसेट करना चाहते हो कैसे कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों फैक्ट्री रीसेट करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे फ़ोन की सेटिंग में। फ़ोन की सेटिंग में जाने का दोस्तों इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आप स्क्रॉल करो और दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आ जाना है फिर, और फिर यहाँ पर दोस्तों फैक्ट्री रीसेट करने के लिए यहाँ पर आप आ जाओ सिस्टम सेटिंग में। सिस्टम सेटिंग में आने का दोस्तों यहाँ पर आप लैंग्वेज सेटिंग, डेट एंड टाइम सेटिंग, बैकअप सेटिंग और सिस्टम अपडेट को दोस्तों यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। अगर आपके फोन दोस्तों सिस्टम अपडेट आया हुआ है तो आप उसको अपडेट कर लेना। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों सेकंड लास्ट ऑप्शन आपको शो करेगा रीसेट ऑप्शन का, तो आपको इसी पे क्लिक करना पहले। और दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आके अपने नेटवर्क सेटिंग को आप रीसेट कर सकते हो, वाईफाई मोबाइल नेटवर्क और ब्लूटूथ सेटिंग को आप यहाँ पे रीसेट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन दिख रहा होगा फैक्ट्री रीसेट इरेज ओल्ड डाटा, दोस्तों इसी पे क्लिक करना है आपको। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो नोटिफिकेशन है आपके फ़ोन से ये सबको डिलीट कर देगा, जो आपके फ़ोन में यहाँ पे गूगल अकाउंट ऐड है, सिस्टम ऐप और दोस्तों जो आपका डाटा है सिस्टम ऐप का वो डिलीट हो जाएगा, डाउनलोड ऐप जो भी आपने आप डाउनलोड कर रखे हैं वो सारे के सारे डिलीट, म्यूजिक फोटो और अदर यूजर डाटा दोस्तों जितना भी आपके फ़ोन से सबको डिलीट हो जाएगा अगर आप यहाँ इरेज पे क्लिक करते हो तो। दोस्तों इसको इरेज करने से पहले आप अपने फ़ोन को चार्ज कर लेना 60 या 70% के आसपास। इससे दोस्तों ये होता है कभी कभार अगर आपके फ़ोन में बैटरी नहीं होती और आप फैक्ट्री रीसेट करते हो अपने फ़ोन को, आप अपडेट वगैरह करते हो तो आपका जो प्रोसेस चल रहा होता है बीच में रुक जाता है। इसकी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको किसी प्रॉब्लम में फंसना ना पड़े, इसलिए आप इसको पहले चार्ज कर लेना और यहाँ पर आप इरेज ओल्ड डाटा कर देना, आपके डिवाइस का हो जाएगा इजीली। दोस्तों इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तो आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए। दोस्तों यहाँ पर मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर इरेज पर क्लिक करते आपके फ़ोन में इरेज होना स्टार्ट हो जाएगा आपका डाटा। और तो अगर कोई इंपॉर्टेंट फोटोज़, वीडियो या कोई ऐप है तो आप उसको सबसे पहले ट्रांसफ़र कर लो अपने नियर बाई डिवाइस फाइल से कर सकते हो यहाँ पे। और अगर आपके पास ये फाइल नहीं है, अगर आपके फ़ोन में शेयर मी ऐप है तो शेयर मी ऐप को यूज़ कर लो, या आपके फ़ोन में शेयर करो लाइट ऐप है आप उनको भी यूज़ कर सकते हो अगर यूज़ करते हो तो। तो यहाँ पर आपने फाइल ट्रांसफ़र कर लेना, और दोस्तों फाइल ट्रांसफ़र करते ही आप बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ पर इरेज ओल्ड डाटा पे क्लिक कर देना, आपका जो डाटा है वो इरेज हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं स्टूडेंट, तब तक नमस्कार। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों कोई प्रॉब्लम हो फोन की सेटिंग को लेकर आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाय दोस्तों।